हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक आवजा का यूनिट आया है रिपेयरिंग होने के लिए। ये LMT यूनिट है और इसका डायफ्राम ख़राब है। तो डायफ्राम किस तरह से चेंज होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं, किस तरह से आपको इसे चेंज करना है, किस तरह की आपको सावधानी रखनी है और किस तरह से इसके वायर आपको कनेक्ट करने हैं। तो यह पुराना वाला था, अब इसे चेक कर लेते हैं ये ख़राब है या सही है। तो हमने कंटिन्यूटी पर रख लिया है मीटर को और देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये देख सकते हो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है ये। इसकी जगह हम दूसरा लगाने वाले हैं, नया हमारे पास डायफ्राम है, ये इसी कंपनी का है, आउजा का ही। और ये देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है। तो हमने इसे निकाल लिया है और इसकी जगह हम फिट करने वाले हैं। तो सावधानी किस तरह की रखनी है दोस्तों, सावधानी आपको ये जो L1 लिखा हुआ है और नीचे जो दूसरी साइड में L2 लिखा हुआ है, L1 इसका पॉजिटिव पॉइंट है, L2 इसका माइनस पॉइंट है। तो ये जो पहले ये इसके साफ कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं वो साफ हो जाए और ये टच हो के ख़राब ना हो, बाद में दिक्कत नहीं आए। तो हमने इसे साफ कर लिया अच्छी तरीके से, अब करते हैं इसमें फिटिंग। तो दोस्तों ये हमने इस तरीके से फिटिंग किया है, छेद से छेद मिलाने हैं, इसके जो होल है इन होलों को मिला लेना हो और जो आपका नंबर L1 है वो को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हमने लगाया है। इस तरीके से रख के आपको फिटिंग कर लेना है, बड़ी आसानी से दोस्तों ये फिटिंग हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती फिटिंग करने में और बड़ी आसानी से आप इसे लगा सकते हो। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हो A1 ज्ञान में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली घंटी वाले बटन को आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो की आप जानकारी आपको देता रहूं हमेशा। इसके जो स्क्रू है वो हमने कस लिए हैं अच्छी तरीके से, अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग हम आपको करा के दिखाने वाले हैं। हमने एम्पलीफायर ऑलरेडी लगा रखा है, उस एम्पलीफायर में आपको चला के दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये L1 इसका पॉजिटिव पॉइंट है उसमें हम लगा रहे हैं और L2 ये माइनस पॉइंट है। इस तरीके से फिटिंग कर लेना है, मेन वाले तो लगाए थे, अब कवर वाले स्क्रू हम लगाने वाले हैं इसमें, इसकी इस तरीके से लगाना है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो हम एम्पलीफायर कंप्लीट लगा के रखे हैं, अब एम्पलीफायर में आपको चला के दिखाने वाले हैं किस तरह से ये चलने वाला है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।